दोस्तों, हर एक इच्छाधारी नागिन के पास उसकी नागमणि जरूर होती है। कहते हैं जब स्वाति नक्षत्र की पहली बारिश होती है तो उसकी पहली बूंद कोबरा सांप के मुंह में अगर चली जाए तो वह सांप अपने मुंह से नागमणि उत्पन्न करता है। जब एक सांप नागमणि पा लेता है तो उसमें कई सारी शक्तियाँ आ जाती हैं, जैसे कि नाग का मनुष्य रूप धारण करना, मनचाही जगह पर पलक झपकते ही पहुंच जाना, अपना आकार कितना भी बड़ा कर देना और कितना भी छोटा कर लेना, ये सभी शक्तियाँ उसके पास आ जाती हैं। कहते हैं नागमणि की रोशनी बहुत ही ज़्यादा तेज होती है कि इसका प्रकाश कई किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता है। परंतु दोस्तों, एक इच्छाधारी नागिन अपने नागमणि को हमेशा लोगों की नज़रों से छुपा कर रखती है, परंतु जब भी कोई उसकी नागमणि उससे छीन ले तो नागिन का गुस्सा सातवें आसमान में होता है। ऐसी ही एक सच्ची घटना आज हम आपको बताने वाले हैं, जो कि बिहार के दरभंगा के एक ऐसे गांव में घटी जो कि जंगल के बिल्कुल करीब बसा हुआ है। इसी गांव में सौरभ और गोपाल नाम के दो व्यक्ति रहते थे। दोनों की काफ़ी अच्छी दोस्ती थी और दिन के समय दोनों अपने बकरियों को चराने के लिए जंगल साथ जाया करते थे। उसी जंगल में एक इच्छाधारी नागिन अपने नाग के साथ रहती थी और अपने नागमणि की रखवाली करती थी। एक बार गोपाल की एक बकरी घने जंगलों के अंदर चली गई तो गोपाल ने सौरभ से कहा कि तुम आज मेरी बाकी बकरियों को अपने बकरियों के साथ घर ले जाओ, मैं तो अपनी उस बकरी को ढूंढ के ले आता हूँ जो शायद जंगल में थोड़ा अंदर चली गई है। उधर नागिन भी अपना भेष बदल कर तथा मनुष्य रूप धारण कर नाग को नागमणि की रक्षा के लिए छोड़ गांव में भ्रमण को निकल गई। जब गोपाल अपनी बकरियों को ढूंढता हुआ उस जगह पहुंचा जहां एक पेड़ के नीचे बने बिल से तेज रोशनी आ रही थी, उसे लगा कि कोई कीमती हीरा या फिर आभूषण उसके नीचे हो सकता है, तो उसने उस पेड़ की ही एक टहनी को तोड़ा और एक बड़ा सा डंडा बना लिया और उस बिल को जोर जोर से मारकर तोड़ने लगा। उस बिल को तोड़ते समय गोपाल बहुत तेजी से डंडे का वार कर रहा था, जिसमें से दो चोट नाग के बिल के अंदर मौजूद नाग को भी लग गई और नाग ने उसी समय अपना दम तोड़ दिया। जब गोपाल ने मरे हुए नाग को देखा और उसके पास तेज चमकती मणि को देखा तो वो समझ गया कि वो चमकती चीज नाग मणि ही है। उसने पहले नाग को डंडे से हिलाया और यह सुनिश्चित किया कि नाग मर गया है या जिंदा है। फिर उसने जब देखा कि नाग मर गया तो उसने अपने जेब से रुमाल निकालकर उसके अंदर उस नाग मणि को रख लिया और भागता हुआ तेजी से घर को निकल गया और भूल गया कि वो बकरी को ढूंढने जंगल में आया था और वो बकरी अभी भी जंगल में रह गई। इधर जब नागिन वापस अपने बिल की तरफ लौटी तो जैसे ही उसने नागमणि गायब पाई और अपने नाग को मरा हुआ देखा तो वह गुस्से में आग बबूला हो गई। उसने अपनी शक्ति से नाग की आँख में देखा और जान लिया कि ये हरकत किसकी है। गोपाल ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी कि उसने नाग के शरीर को वैसे ही उस जंगल में छोड़ दिया था। अगर वह नाग के शरीर को उसी समय जला देता तो शायद नागिन को गोपाल के बारे में पता ही नहीं चलता। उधर गोपाल बहुत खुश था क्योंकि उसे दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज़ नागमणि जो मिल चुकी थी। गोपाल जब घर पहुंचा तो सबसे पहले उसने नागमणि अपने हाथ में पकड़ी और यह इच्छा जताई कि उसकी खोई हुई बकरी उसे मिल जाए। दोस्तों, चमत्कार हुआ कि अगले ही पल वह बकरी उनके घर के दरवाजे पर थी। गोपाल ये सब देखकर बहुत खुश हो गया। उसने नागमणि की सहायता से अपने घर को ही बदल दिया और अब वह गांव का सबसे अमीर इंसान बन चुका था और वह केवल और केवल नागमणि की मदद से। उधर नागिन अपने नाग का बदला गोपाल से लेने के लिए बेकरार थी, परंतु वह विवश थी क्योंकि गोपाल के पास नागमणि थी और वह तब तक गोपाल को नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी जब तक उसके आसपास वो नागमणि हो। दोस्तों, कहते हैं कि इच्छाधारी नागिन बगैर नागमणि के भी कोई भी रूप धारण कर सकती है। अपनी इसी शक्ति का फायदा उठाकर नागिन ने एक सुंदर कन्या का रूप
धारण किया। और गोपाल किसी काम से दूसरे गांव जा रहा था तो उसके बीच रास्ते में बैठ गई और रोने लगी। जब गोपाल ने देखा एक बहुत ही सुंदर स्त्री रो रही है तो वह तुरंत बैलगाड़ी से नीचे उतरा और पूछा कि आप रो क्यों रही हो। तो नागिन के भेष में उस स्त्री ने कहा, मेरा नाम पायल है और मैं अपने पति के साथ दूसरे गांव में रहती थी, परंतु कल वह एक अन्य स्त्री के साथ शादी करके आ गया और मुझे मार मार कर घर से बाहर निकाल दिया है। मैं बेसहारा हूँ, लाचार हूँ। गोपाल को उस स्त्री पर तरस आ गया और उसकी सुंदरता से गोपाल बहुत आकर्षित भी हुआ। वह उसे अपने साथ घर ले आया। धीरे धीरे नागिन और गोपाल में दोस्ती शुरू हो गई और दोस्ती इतनी गहरी होती चली गई कि गोपाल को पता ही नहीं चला कि कब वह उस स्त्री से प्यार में फंस चुका था। एक दिन गोपाल और पायल यानी वो नागिन दोनों घूमने के लिए गए और एक जगह एकांत पाकर पायल ने गोपाल से पूछा, तुम्हारे गले में ये चमकती सी चीज क्या है? तो गोपाल बोला, कुछ नहीं, एक साधारण सा आभूषण है, मुझे बहुत अच्छा लगा इसलिए मैं इसे गले में पहनता हूँ। दोस्तों, ये वही आभूषण था जो नागमणि के नाम से पुकारा जाता है। तब पायल बोली, क्या तुम कुछ समय के लिए मुझे ये दिखा सकते हो, क्योंकि मुझे इसकी चमक बहुत भाती है। मैं देखना चाहती हूँ कि आखिर मेरे गले पर ये कैसा लगता है। इस पर गोपाल चिल्लाते हुए बोला, नहीं, मैं तुम्हें ये नहीं दे सकता हूँ, इसके बदले तुम कुछ भी मांग लो, मैं तुम्हें दे दूँगा। इस पर पायल एकदम से गुस्सा होकर बोली, गोपाल, तुम तो कहते हो कि तुम मुझे अपने जान से भी अधिक प्यार करते हो और मैंने बस एक तुम्हारे गले की यह माला क्या मांगी? इस तुच्छ सी चीज़ के लिए तुम मुझे मना कर रहे हो और मुझ पर गुस्सा कर रहे हो। रहने दो, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए मैं ज़्यादा मायने नहीं रखती। परंतु गोपाल ने फिर न चाहते हुए भी अपनी वह माला निकाली और पायल को देते हुए बोला, ठीक है, कुछ समय के लिए तुम इसे पहन सकती हो, परंतु ध्यान से। पायल के हाथ में जैसे ही वो नागमणि आई, पायल का रूप एकदम से बदलने लगा। केवल एक पल में ही पायल एक सुंदर कन्या से एक भयानक कन्या के रूप में परिवर्तित हो गई। उसका चेहरा बिल्कुल नाग सा हो गया और उसने कई बार गोपाल को डसा और डस डस कर उसे मार डाला। नागिन का इंतकाम पूरा हो चुका था, उसने अपने नाक का बदला ले लिया था। तो दोस्तों, कभी भी एक नागिन के नाक को नहीं मानना चाहिए और साथ ही नागिन के नागमणि को तो भूल से भी नहीं छूना चाहिए, अन्यथा वह नागिन 7 जन्मों तक उस व्यक्ति का पीछा करती रहती है।